हर जगह काम कर रहे हैं और सबके साथ मिल के काम कर रहे हैं, ये नहीं कि इनफरादियत पे। जो भी एनजीओ हमारे साथ मिलती है हम बोलते हैं भाई खुले दिल से हम आपके साथ काम कर रहे हैं। थकन तो ज़ाहिर होती है, हम भी इंसान हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है काशिफ शायरी और आप देख रहे हैं मैं पूछ सकता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ निपा चौरंगी पर और यहाँ पर एक एनजीओ एफएफपी फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी की राशन ड्राइव चल रही है। किन किन मुश्किलात का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, कितने राशन अब तक ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और आगे क्या प्लान्स हैं इनके राशन ड्राइव से मुतालिक, ये तमाम सवाल आते जिनके जवाब हम इनसे लेना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम ज़ोरैन है। ज़ोरैन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। काम बड़े दिनों से चल रहा है, थक रहे होंगे आप इस वक्त? जी थकन तो ज़ाहिर होती है, हम भी इंसान हैं, बट ये है कि जो कॉज है हमारी, जिस काम के लिए हम लोग सब अपनी एनर्जी हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो हम लोग कभी महसूस हुआ नहीं कि हम लोग ज़्यादा थके हैं। ज़ोरैन काम कब से चल रहा है यहाँ पर? लॉकडाउन हुए हुए गालिबा अभी कोई महीना करीब आ चुका है, तो अब तक कितने राशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और क्या प्रोसीजर है इसका? किस तरह लोग आपसे रब्ता कर रहे हैं और किस तरह आप उन तक ये सारा सामान पहुँचा रहे हैं? अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1000+ राशन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उसी दिन से जो हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी, और उसी 2-3 डेज के अंदर अंदर हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी थी। क्या प्रोसीजर है, किस तरह दे रहे हैं लोग आपसे, किस तरह रब्ता कर रहे हैं और आप उनको किस तरह जाकर दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोगों को निकलने बाहर नहीं दिया जा रहा? जी इसका प्रोसीजर ये है कि हमारे पास हमारा फेसबुक पेज है, हमारे पास वेबसाइट भी है, हमारा ऑफिस नंबर भी है, और तो वहाँ पे हमारे रिक्वेस्ट आते हैं, तो हम उनसे डिटेल्स उनकी तलब करते हैं, जैसे कि NIC नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड नेम एक्सेट्रा। फिर ये है कि हमारे अपने भी रेफरेंसेज होते हैं हमारे आसपास, जो हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं, सफ़ेदपोश जो लोग होते हैं, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, और फिर हम लिस्टिंग के थ्रू हम उनको लिस्ट में हम लोग डाटा जो है वो कलेक्ट करते रहते हैं, और फिर एक साथ ही जो उसी के साथ साथ हम लोग वेरिफिकेशन प्रोसेस भी हमारा होता है, हम लोग कॉल्स उनको करके वेरीफाई करते हैं डाटा, उसके बाद फिर हम लोग राशन डिस्पैच कर देते हैं। इस तमाम प्रोसेस में या राशन या तैयार करना, यहाँ से लोगों के घर पे जाकर देना, इसमें उस सफ़ेदपोश अफराद की इज्जत नफ्स तो मजरूह नहीं हो रही? नहीं, इस वजह से इसका ख़ास ख्याल रखा जा रहा है कि जो हमें हम इसीलिए सिर्फ सामान की पिक्चर्स लेके, सिर्फ क्योंकि जाहिर सी बात है डोनर के पैसे हैं, हमें उनको बताना होता है, लोगों की पिक्चर्स नहीं ली जाती, बिल्कुल भी नहीं ली जाती, इसी वजह से किसी के कैमरे में कोई शक्ल या हम फला शख्स को राशन दे रहे हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम ये करते ही नहीं है। हमारी सिर्फ लड़के राइडर जो जा रहा होता है उसकी आपको पिक्चर दिखेगी, ये काम करते हुए लड़कों की दिखेगी कि काम हो रहा है ताकि डोनर का पैसा है, तो हमें उसको जवाबदारी है हमारी, तो बस हम सिर्फ उसकी पिक्चर लेते हैं, लोगों की जिनको राशन जा रहा है उनकी पिक्चर्स नहीं लेते। हुकूमत तो कह रही है कि राशन हम पहुंचा रहे हैं, तो फिर एनजीओ को क्यों ज़हमत करनी पड़ रही है ये सब? सर अब बेहतर अब अल्लाह जाने कि वो राशन पहुंच रहा है, लेकिन जितने भी लोगों से हम रब्ता कर रहे हैं हमारे पास कोई ऐसी वो चीज़ नहीं आ रही, हमारे पास मल्टीपल वैलिडेशंस भी हैं, कोई किसी के पास राशन जितने भी से भी हमारा रब्ता हो रहा है नहीं पहुँच पा रहा, तो ऐसा से एनजीओ को ही सारा काम करना पड़ रहा है। माशाल्लाह से काफ़ी सारी और एनजीओ भी हैं जो इस पर काम कर रही हैं। वॉलंटियर्स का क्या क्राइटेरिया, वॉलंटियर्स किस तरह आपके पास आ रहे हैं, उनका आना जाना रहना सहना ये सारे क्या मामला हैं तमाम? देखिए सबसे पहले तो हेड्स ऑफ टू ऑल द मेंबर्स के जितना वो लोग काम कर रहे हैं, हमने पूरी टास्क फोर्स बनाई हुई है इसकी, ठीक है, जो ख़ास तौर पे इस काम के लिए हैं, जो यहीं पर ही रहते हैं सारा दिन रात, यहाँ पे 24 घंटे काम चलता है, पैकिंग हो गई, राशन ही हो रहा है, 24 घंटे यहीं पर ही हैं मेम्बर्स, तो ये हमारा क्राइटेरिया है। और बाकी FFP के हमारे अपने भी काफ़ी सारे मेम्बर्स हैं, वो भी हैं, और बहुत सारे लोग नए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमें डिलीवरी के लिए लोग चाहिए होते हैं। मैं चाहूँगा कि ये जो बाइकिया और फूड पांडा, ये मैं से कोलैबोरेशन करना चाहूँगा कि ये जो हमें डिलीवरी के लिए राइडर्स चाहिए तो हम उनके साथ काम करें, उनको रोज़गार भी मिलेगा और किसी गरीब का भला भी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ FFP की राशन ड्राइव में, इस वक्त अब्दुल्ला एहसान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं काशिफ आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ, आप बताएँ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने है भाई, पूरे वक्त काम चल रहा है पीछे, और उसी में अभी रात के वक्त जो है ना बिल्कुल हालत जो है ख़राब हो जाती है आपके सामने। सर आप गालिबा 15 साल के दौर 5 रुपये से आपने इस NGO का स्टार्ट लिया था, आज कहाँ स्टैंड कर रही है NGO अपनी? सर 5 रुपये से जब स्टार्ट हुआ था मैं स्कूल जाता था 9th क्लास में, और 9th क्लास से आप समझे वो पॉकेट मनी मिलती थी, उधर से मैं जो है बचपन से जो है छोटा छोटा करके लोगों की मदद करके, और फिर आज आपके सामने अब भूलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारे पास हज़ारों की तादाद में अभी हमने राशन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और ये जो इतना बड़ा सेटअप दिख रहा है आपको इसी वजह से है ताकि अभी हमारी कैपेसिटी बहुत है और इसको हमने आगे एक्सीड करना है।
तो ये है भाई। और हमारी जो टीम है वो इतनी बड़ी हो गई है, एक्सपेंड हो गई है हर जगह पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ ये कराची में नहीं, आपको बलूचिस्तान में भी मिलेगी, इंटीरियर सिंध में भी मिलेगी, पंजाब साइड भी, खैबर पख्तूनख्वा साइड भी, कश्मीर में भी। माशाल्लाह आपकी एनजीओ काम कर रही है वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम हर जगह काम कर रहे हैं और सबके साथ मिल के काम कर रहे हैं, ये नहीं कि इनफरादियत पे। जो भी एनजीओ हमारे साथ मिलती है हम बोलते हैं भाई खुले दिल से हम आपके साथ काम कर रहे हैं। सर इतनी एनजीओस काम कर रही हैं, इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि कराची में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको राशन नहीं मिला अब तक, उन तक राशन नहीं पहुंचा? सर बिल्कुल ऐसा है, राशन अभी लोगों को पूरी तरह से नहीं मिला है। उसकी दो वजूहत हैं, एक तो एनजीओस के पास इतना फंड्स नहीं है, इतनी चीज़ें, क्योंकि एनजीओ का काम ये नहीं है। हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, ये सारे लड़के आपको जो देख रहे हैं, ये सेल्फलेसली यहाँ पर आ रहे हैं, सुबह 9 बजे आते हैं, मैं खुद ज़ाती तौर पर ऊपर रह रहा हूँ, ठीक है, 24 घंटे ऊपर नींद है, बिस्तर पे, लग्जरी लाइफ छोड़ के हम यहाँ पर रह रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि भाई लोगों को सर्व करें। और हम ये किस तरह कर रहे हैं हमें पता है, ये काम था हुकूमत का, हुकूमत इसको अब तो थोड़ा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि हुकूमत भी दे रही है। अब ये एक जो है ना, आपने बड़ी एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात कर दी है, हुकूमत कर रही होती तो मेरे ख्याल से अभी तक ये बहरान ख़त्म हो चुका होता। 8 अरब का भी पैकेज इन्होंने बोला सिंध हुकूमत ने किया होगा वल्लाह आलम उन्होंने, लेकिन अगर ऐसा होता 8 अरब रुपये 800 करोड़ रुपये ये आवाम तक जाते और अभी कराची खामोश अपने घर पे बैठा हुआ होता। हमारे पास जितना पैकेज, हम तो एक ग्राउंड पे देख रहे हैं, हमारे पास जितना फ़ंड आता है उस फंड से हमें पता है कि 800 करोड़ रुपए कितना होता है, उससे हम कितने लोगों को केटर कर सकते हैं। तो ये बस सब जानते हैं कि क्या चीज़ हो रही है और पीछे क्या चीज़ चल रही है। चल, हम किसी की नीयत पर शक नहीं करते, अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई गलत काम वो कर भी रहे तो बरोज़ अहमद सबने जवाब देना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारा ये काम है कि हम आवाम को जगाएं, आवाम, क्योंकि हम जिस तरह से काम करें, जितनी भी एनजीओज हैं आप ये मत समझें, हर एनजीओ इंडिविजुअल कैपेसिटी में जितना कर सकती है वो कर रही है, और उनको मेरा सलाम है कि वो किस तरह से इस टाइम पे, जबकि ऐसी वबा है कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप रिस्की सिचुएशन में है कि आप अपने घर पे जा कर के, कोई, हम सब रिस्की सिचुएशन में, लेकिन हम अपनी लाइफ को आगे दे रहे हैं लोगों के लिए। लेकिन ये हुकूमत को भी चाहिए कि वो सपोर्ट करें। मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये चीज़ बोलना चाहूँगा हुकूमत को कि वो, सिंध में 16,000 NGOs हैं, 16,000 NGOs में आप ये बोलते हैं भाई करप्ट हैं, ये वो हैं, फलान है, 2,000 NGOs सही होंगी? आप इस बात से सहमत हैं 2,000 सही होंगी? 2,000 को आप, मैं कहता हूँ 10 volunteer भी उसमें से निकाल लें, वो आपके पास अनपेड स्टाफ है, सही है, 2,00,000 आपके पास रातों रात खड़ा हुआ है लड़का, उसको आप इस्तेमाल करें, वो जैसे वो सेल्फलेसली आपके साथ खड़ा हुआ है भाई, आप उसको फ़ंड दें, फ़ंड नहीं देना आपको समझ में नहीं आता, आप राशन प्रोवाइड कर दें, आप सुपरविजन दे दें उसके ऊपर कोई और चलवा दें आप। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कराची या पूरे सिंध में या पूरे पाकिस्तान में एक एक घर में राशन पहुँचेगा डोर टू डोर, और कोई मसला नहीं होगा, हुकूमत को चलना फिरना भी नहीं पड़ेगा, ये सारी एनजीओस कर देंगी। लेकिन ये करें तो ये काम, ये बहरान सारा ख़त्म हो जाएगा हमारे मुल्क में। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि जैसे अभी कोई भी ऐसा टाइम होता है 2005 का, 2010, अभी का जो टाइम है आप देखें, आवाम किस खुले दिल के साथ डोनेशन देती है, जितना कर सकती है वो करती है। सर ये सारा काम अगर वॉलंटियर्स करेंगे तो फिर टाइगर फोर्स क्या करेगी? सर यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टाइगर फोर्स की ज़रूरत क्या है। आप, मैं तो उनसे ये अपील करूँगा कि आप पैसा ना दें हमें, आप हमारे पास ट्रक भिजवा दें राशन के, आप हमें किसी तरह से राशन प्रोवाइड करें, मेडिकल, आप डॉक्टर्स, आप ऊपर, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, डॉक्टर्स की किट्स हमारे पास मौजूद हैं, वो हम डॉक्टर्स को दे रहे हैं, वो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, बिल्कुल, और उनके पास किट्स नहीं है पहनने के लिए। आपको ये पता है कि कितने डॉक्टर्स अभी शहीद हो चुके हैं इस मामले के लिए, तो ये तो हुकूमत का काम था कि उनको डॉक्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर्स ही सेफ नहीं है तो वो हमें अगर कोरोना होता है, खुदा ना खास्ते आगे कौम को, ये जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, आवाम भी ये चीज़ नहीं समझ रही, हुकूमत भी नहीं समझ रही, आगे बढ़ती है ये मामलात, आपके डॉक्टर सेफ नहीं हैं, डॉक्टर ही सेफ नहीं है, बचाएगा कौन उनको भाई, ये इनको समझ नहीं आ रहा। और ये जब पानी सर से ऊपर निकल जाएगा फिर कुछ नहीं हो सकेगा, ये इनको इस टाइम पर जो है स्टेप लेना, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी कुछ कर लेंगे तो ये आगे बहुत हम इजीली इस सिचुएशन को डील कर जाएंगे इंशाल्लाह। सही है, राशन ड्राइव की तरफ आते हैं, अब तक कितने राशन आप दे चुके हैं, मजीद कितने लिस्ट पेंडिंग पर है आपकी मजीद? सर हम 1,000 अभी तकरीबन 3,000 के करीब हम राशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सही, आगे हम कुछ इस तरह से नहीं कि हमारे पास लिस्ट, तो आपको पता है कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हज़ारों की तादाद में, क्योंकि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, और भी एनजीओज हमारे साथ हैं, हम ये चीज़ एक पैगाम देते हैं सारी एनजीओज को कि सारे साथ हैं, सब काम कर रहे हैं इंसानियत के लिए, इसमें कोई और दूसरी चीज़ होनी नहीं चाहिए, तो साथ मिलकर के कर रहे हैं। तो इसमें अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह जब आप दूसरी दफ़ा आएंगे तो ये एरिया तो आपको शायद बंद ही मिले, बाहर आपको ये सारी चीज़ें जो है ना पूरे एक मजीद इसमें राशन में आपको बहुत आगे बहुत बड़ा प्लान है हमारा, क्योंकि ये अभी आप देखें कि अभी 1 महीना लॉकडाउन है,
लॉकडाउन के बाद अगर फॉर एग्जांपल कोरोना इन अल्लाह करे चला जाए, हो भी गया, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस में आपके पास रिडंडेंसी होगी, जॉब शॉर्ट होंगी, जॉब कट्स हो जाएंगी, आप क्या करेंगे? लोग तब भी राशन लेंगे, आपके पास पैसा नहीं होगा तो किस तरह से आप उनको केटर करेंगे? इस बहरान को खाना जंगी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये हुकूमत को समझना चाहिए, ये क्रिटिकल सिचुएशन है। ये अभी इसको मजाक ले रहे हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, रिलीफ पैकेजेस आ जाएंगे। रिलीफ पैकेजेस तो आ जाएंगे, लेकिन जब तक वो आएंगे बहुत देर हो चुकी होगी। सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, जाते जाते आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा, वो यही है कि आप इतना काम कर रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी स्टोरीज देख रहा हूँ, कि कम से कम ये काम होते होते कुछ वीडियोज़ भी बना लिया करें ताकि लोग आपको इस तरह देखें भी। सर, इसके लिए टाइम मिले तो क्या बात है, आपके सामने अभी बस हर वक्त लड़के भाग रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है स्पेसिफिकली एक बंदा। आप लाइव क्यों नहीं आते हैं, फला शख्स को सो राशन दे रहे हैं? सर, ये इसके लिए टाइम हमें मिले तो हम ये ज़रूर करें, हम इसी काम में मशगूल हैं। आप जैसे लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं सारे कामों के लिए, वरना अगर हमारे पास इस चीज़ के लिए या मखसूस और हमारे आपके तवस्सुस से लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो शायद हम फिर रोज़ाना लाइव आएँ, क्योंकि रोज़ाना की तादाद में हम राशन लोगों को बेतहाशा दे रहे हैं। और अब वो यही है कि लड़के काम पे लगेंगे या इस पे लगेंगे, ये मसला है। अब्दुल्ला हसन, जाते आते आखिर में यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैं कहूँगा कि वो घर पे रहें और वो बाहर ना निकलें, और अगर पबजी खेलें, हाँ पबजी खेलें, वो डूडो स्टार खेलें, जो करना है वो घर पे रहें, और ये अगर उनको काम करना है तो फिर वो फुल टाइम करें, अपने घर वालों को रिस्क पे नहीं डालें। हम भी यहाँ पर आ रहे हैं तो हम प्रॉपर यहाँ पर रह रहे हैं, घर वालों को रिस्क पे नहीं डाल, क्योंकि हम घर जाएंगे हमें कुछ हो जाएगा तो फिर हम तो ये काम नहीं कर सकते। तो यूथ को घर पे रहना चाहिए, इस टाइम पे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, घर पे रहें, और इस टाइम जैसे ही गुजरेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस सिचुएशन को कवर कर जाएंगे और फिर हम सब बाहर निकलेंगे भाई, जैसे ये कराची था, जैसे पूरा पाकिस्तान खुशहाल था और एक हर वक्त अफरा तफरी का माहौल था, वैसे इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा हो जाएगा। अब्दुल्ला, आपके इस कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, और माशाल्लाह आप जिस तरह काम कर रहे करते रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत बहुत शुक्रिया।